एक मंत्री एक मुख्यमंत्री कैसे तो कौन है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? आप मुख्यमंत्री हुए फिर मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मैं बड़ी हूँ कि ये बड़ी है? अच्छा तो फिर मेरे इशारों पे नाचा करो बोतलें भरी जा रही है, पार्सल आया था वो खोला, तबीयत ऐसी ही चल रही है यार, चक्कर चक्कर आई। चलो चाय बना रहे शाम की। भर गई कितना पानी पीते हो यार आप इतना अत्याचार देखो कितना काम कर रहे हैं, काम करते हो अच्छे तो लगते हो। पापा ने रोटी भी बनाई थी, मम्मी की तबीयत खराब थी। तो तब तबीयत खराब थी तब ना, अभी थोड़ा कभी बना दी, आज बना दे तो मैं जानू, मेरा हाथ ये सूज रहा है, दर्द कर रहा है, बस बोतलें ही ढूंढ ढूंढ के पानी भरेंगे, चिल्ड पानी पीते, मैं बोलती हूँ नुकसान करता है। और मैंने पोहे इनको ना धो के पोहे बनाने पसंद नहीं आते, ये भुंजे हुए पोहे पसंद आते हैं, मैंने दिखा दिए ऐसे वाले है फेवरेट है, पहले मैं बनाई नहीं थी तो कैसे खा लेते थे वो, सब खाते थे, फिर ये मैंने बना के दिखाए तो ये आपने खाए हैं। मैंने आज खाया दही चूरा चीनी डाल के, बड़ा अच्छा लगा, पर फिर खाना वाली थी तो दही नहीं जमा, आज पता नहीं क्या हो गया दही नहीं जमा है, शाम तक जम जाए फिर खाऊंगी, थोड़े से मैंने पोहे इतने से बचा लिए हैं। आप खाओगे? जब खिलाती तब नहीं खाते, फिर बाद में खाते यार वाकई अच्छा लगा, फिर वही चीज़ इनको अच्छी लगने लग जाती, वही आए दिन खाते हैं लड़ने को बस दे दो अभी, क्या है अभी तो कुछ भी बात बुरी लग जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप जरूर बताना। तेल डाल के चूरे को अच्छे से भूंज लिया था, काफ़ी करारा हो गया था जैसे नमकीन होती है, उसके बाद नमकीन डाल लेते हैं, प्याज टमाटर गैस को ऑफ करके डालते हैं जिससे ये सीले सीले ना हो। मैंने कई बार रेसिपी शेयर किए, इनको ये बहुत पसंद आते, सभी को बहुत पसंद आते, प्याज टमाटर चाट मसाला काला नमक ये जैसे जैसे डालोगे उतना ही इनका स्वाद बढ़ता है, बहुत आधा आधा एक एक किलो बनाती हूँ मैं और झट से ख़त्म हो जाते हैं। चाय के साथ बनाया था, सबने खाया, और भी इसमें प्याज डाले थे और भी टमाटर डाले थे, मिर्ची थोड़ी लिमिट की डालती क्योंकि बच्चे फिर खा नहीं पाते, इसलिए मिर्ची कम रखी क्योंकि नमकीन में भी मिर्ची होती है। भिंडी को धोया, फिर थोड़े से तेल में इनको फ्राई किया, इनकी जो चिपचिप होता है वो हट जाए, फिर उसके बाद में इनको मैंने बनाया। और एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, मैंने बोला था मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ, तो मैं तो कहीं नहीं गई घूमने के लिए, सभी लोग चले गए, मम्मी पापा से मैंने तो मना कर दिया, मोनिका सब गुस्सा हो गए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना तो इस वजह से मैं तो जा ही नहीं पाई, मोनिका गुस्सा हो गई है और सभी लोग गए, मैं ही नहीं जा पाई, मैंने साफ मना कर दिया, अब गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो मैं तो नहीं जा पाई, तो नहीं जा पाई, मेरा भी बहुत मन था जाऊं करूं पर मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने भिंडियों को फ्राई कर लिया था और जीरा डाल के इसको टमाटर प्याज डाल के अच्छे से इनको बना ली, वीडियो भी एडिट नहीं हो रही, कल मेरा वीडियो भी नहीं आया, खड़ी हो रही हूँ ना खड़ी हो पाया जा रहा ना कुछ हो पा रहा है, मतलब सब कुछ ऐसे ही लग रहा है, नानी गई है, मोनिका गई है, शिवम शायद गए हैं, मैंने गुस्से की वजह से बात ही नहीं की, मैंने बोला मुझे मतलब ही नहीं है, जाएं तो ठीक नहीं जाएं तो ठीक गुस्से में।
अब वो पीहर वाले गए हैं या नहीं गए मुझे कोई मतलब नहीं, पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं जा रही थी, वो लोग बार बार बोल रहे थे तो वो लोग गुस्सा हो गए, तो फिर मैंने नहीं पूछा। गचा यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए, प्याज टमाटर सारे मसाले डाल के इनको बना के भिंडी को। अभी देखिए सब्जी यही है, भिंडी तोरई ये सब, तो क्या बनाओ, यही है नॉर्मल चीज़ें, और गर्मी में तो कुछ खाया ही नहीं जाता है। मसाले को थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे, और इसमें पीली वाली मेथी नहीं थी, नहीं तो मैं पीली वाली मेथी डाल के बनाती। मैंने आप लोगों के साथ बनाया था मेथी डाल के, मसाला पक गया है, इसमें भिंडी डाल देंगे, और भिंडी वैसे भी फ्राई होके तो जल्दी बन जाती हैं, बहुत जल्दी बन के रेडी हो गई थी। इनको मैंने थोड़ी सी देर ढका, और ये बिल्कुल आप सोचें गीली गीली चिपचिपी रहेंगी, चिपचिपी बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि इनको फ्राई कर लिया होता है इस वजह से। तो इनको थोड़ी सी देर बनने देते हैं, और देखो मैं आपको दिखा रही थी कि चिपचिपी नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से अमचूर और आम डाल दिए थे जिससे खट्टी हो जाए, खट्टी खट्टी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए मैंने आम एक ही उस दिन ही मंगाए थे आम, वही चला रही हूँ मैं अभी तक। तो इसको ढक के ये ऑलमोस्ट बन के तैयार, रोटी पराठे किसी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। शाम हो गई है, ये क्या हो गया, हैंड शाम हो गई, 5-6 बज गए, और ना यहाँ जो बेड आया था उसमें जितने कार्टून थे वो बेच दिए, 30-40 रुपए के बिके। कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं। छत देखो कितनी ज़्यादा गंदी है, पर हवा चल रही है बहुत अच्छी। दीदी से बात कर रही थी, ननद से बात कर रही थी। हाँ एक कमेंट आया था कि तुम्हारी वीडियो देखते देखते मुझे 2-3 साल हो गए, तुम्हारी ननद दोनों में से कोई नहीं आती है। तो डियर आपने वीडियो देखी नहीं है, अभी तो ननद की लड़की की शादी करके आए, एक हफ्ता रुक के आए थे, अभी तो 5-6 महीने हुए हैं, तो सब आते हैं, ऐसा नहीं है मेरी ननद से बनती नहीं है या उनकी, मेरी सबसे बनती है, काफ़ी बड़ी बड़ी नंदे हैं मेरी, किसी से नहीं बिगड़ती, सबसे रिश्ते बना के रखती हूँ, और फिर जैसे आगे वाला करे वैसे हम इनको साफ करूँगी। बच्चे इधर खेल रहे थे, थोड़ी देर टहल रही, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। और आंधी यार पता है, यहाँ टीन रखी हुई थी, हम लोग छत पे सोते हैं ना, तो यहाँ से आंधी आ गई थी, हम लोग यहाँ सोते अगर गिरे तो क्या होगा, मैं बोल के आई, वो हटवाई मैंने यहाँ से टीन, कुछ भी नहीं रखा था, सीमेंट की टीन थी, गर्दन ही उड़ जाती आंधी से, देखो पेड़ भी टेढ़ा पड़ गया, तो गर्दन क्या सब कुछ कट जाता। चलो जा रही हूँ नीचे, झाड़ू मंगाऊँगी, इसमें सारे में आग लगाऊँगी, अभी तो नहीं बाद में लगाऊँगी। सुबह से मैंने एक रोटी खाई है, पता नहीं क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, झाड़ू मंगा लूँ, झाड़ू मार देती फिर कुछ करूँगी। वंशु वंशु झाड़ू दे जा बेटा, छत पे झाड़ू लगा दूँ। चलो मैंने कपड़े नहीं सुखाए, बच्चे सुखा गए उल्टे सीधे, जो भी सुखाए। फूल झाड़ू ले आई हो, ल पूरे इस पे इससे नहीं लगेगा, ये देखो पूरी फूल झाड़ू ला के दो। चलो मैं झाड़ू लगा दो फिर मिलती हूँ, बहुत सारा बातें हो गई। कूलर का ये भी टूट गया, ये इससे ढक दिया, ये एकदम से खुला, पाइप टूट गया, पापा से बोल देना कूलर का पाइप टूट गया है, बोल दो। और दही तो ऐसा दिन एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं जमाती नहीं हूँ, देखिए कितना बढ़िया मेरा दही जमता है, पर परसों का दही सॉरी पता नहीं क्या हो गया, जमा ही नहीं। देखो दही जमाया, चीनी के साथ दही डाल के देती हूँ, आप लोगों ने बोला काले नमक नहीं डाल के दिया कर, तो फिर नहीं देती हूँ मैं। ऐसी हालत होती है, सारा काम थोड़ा काम लेट ली फिर भी काम कर लिया, थोड़ा लेट लिया फिर काम कर लिया, लेट लेट के करती हूँ, नींद आए जा रही है, उठा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, क्या बताऊँ कैसे बताऊँ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा चावल बनाए थे, क्योंकि बच्चे और खुद खाना खुद नहीं खाओगे, बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे, चावल बनाए थे, टमाटर आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, क्योंकि ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा सही लगे, टमाटर आलू की सब्ज़ी मैंने खूब अच्छे से बनाई थी, चटपटी कट के टमाटर प्याज लहसुन तीखा करके गरम मसाला डाल के, ही देखिए खूब अच्छे से मैंने कटोरी में रखे, खाई भी थी। किस किस को पसंद है टमाटर आलू, तो वैसे सभी को नॉर्मली पसंद है, हरी सब्जियां रखी हुई थी तब भी मैंने ये बना लिया, और दही रखा है, भिंडी रखी है, चावल और ये हो गया, और ये सुबह चले गए, आज चाय भी नहीं पी के गए, उठाई नहीं गया, बोला भी नहीं, फिर मैं ऊपर जाके फिर से लेट गई थी, पता ही नहीं चला। और ये वाली साड़ी बताना अच्छी लग रही है या नहीं, जो मैंने आगे आपको पहन के दिखाई है, रियल आवाज़ में लिंक दे दूँगी। हाँ पापा भी देखो,
तबीयत खराब लग रही है ना कि बैठ बैठ के खाना बना रही हूँ। बैठ बैठ के सब्जी बनाए, बर्तन और सब्जी कराई और फिर बैठ गई। और ना खड़ी हो रही हूँ ना तो वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पता नहीं क्या हो गया। भिंडी बनाई थी सुबह, अभी टमाटर आलू बना लिए, आटा गूंदा हुआ रखा है मेरा, दिखाती हूँ। वो कोई नहीं रहा, उस थोड़े से चावल थे, आटा गूंदा रखा है, थोड़े से चावल थे, थोड़े से मंगाए हैं, थोड़े चावल बना लूंगी। बताने बेटा मुझे तो, चलो ऐसे हो रहा है, थोड़ी खड़ी भी पसीना आ गया मुझे, क्या करूं, कल से हो रहा है बहुत ज्यादा। चलो घर तो काम तो कर रही हूँ, धीरे धीरे हो नहीं रहा है। ये देखो मट्टी आ गई, चप्पल देखो कहाँ उतारी, पानी की बोतल वहीं रखी है। उठ रही हूँ, ऐसा लग रहा है खड़ी हो रही, काम कर रही, गिरी गिरी गिरी, उनसे बार बार कह रही तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तबीयत ठीक नहीं है। चलो ये वाली पास्ते कलर दिखाऊँ आप लोग, बताना वो वाली मैंने वो फटी हुई थी साड़ी, उसको रिटर्न कर दी, ये वाली मंगाई है। ये कलर इस तरीके का है, अभी आजकल ट्रेंड में चल रही है ना वो है, तो मुझ पर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। और इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कैसी लग रही है। मेरा ये रह गया था दिखाने के लिए, एक मैंने इसमें का और मंगाया था, ये मंगाया, पैकिंग भी नहीं खोली अभी मैंने। किसी भी साड़ी पे मेहरूम और गोल्डन तो सब पे मैच हो जाता है, मेरे पास ऐसा सेट एक भी नहीं। सुंदर लग रहा है ना, ये है पैकेजिंग तो बिल्कुल ख़राब हो गई है, मुझसे पहले बच्चे खोल के डाल देते हैं। और मैंने कुछ ऑनलाइन अपने लिए वैसी चीज़ें मंगाई थी, उसका लिंक दे दूँगी मैं। और एक साड़ी अभी दिखा दी, एक साड़ी आई नहीं है जो मत करो मैं सोनों से आई नहीं, क्योंकि यहाँ के रोड ख़राब है, सीवर पड़ रहा है, मैं ये दो हर बार बता रही हूँ, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी। और एक ये मैंने सूट मंगाया कॉटन का है, इसके साथ ये गले पे आया, ये सूट है, खुद से ही सिलूंगी मैं। पर अभी ये जैसे दिन में सोते रहते, रात को कभी कभार गाड़ी चलाने चल जाते, तो दिन में यहाँ सोते रहते तो मशीन की आवाज़ बहुत सारी हो जाती है। ये सूट है, ठीक है, और इसकी सलवार, ये इसकी सलवार है। अब काली मैं हूँ, काली ये आगे मैंने सोचा ये नीला होगा पर काला है, अभी सोच रही रिटर्न डालू या नहीं। चुन्नी ये है, सिफॉन की चुन्नी है, अच्छी है ये, ये इस तरीके से है। और साड़ी, साड़ी मैंने अच्छी क्वालिटी की मंगाई, क्योंकि घर में कोई फंक्शन वगैरह, तो एक मैं अभी पहन के आपको दिखा दी हूँ। एक ब्लू कलर की है जो कि मैं उसका लिंक दे दूँगी, क्योंकि सामान बार बार कह रही सामान आया नहीं है इस वजह से, और जो सामान दिखा नहीं रही वो ऐसे देख लीजिए, इनका लिंक दे दे रही, दिखाने में अजीब लगेगा तो इस वजह से। तो चलिए काम कर लेते, ये रह गया था थोड़ा सा, मुँह कोंडी पिया है थोड़ा थोड़ा सा, सही लग रहा है, दीदी वगैरह से बात करने में लग रही थी। चलो ये सारा समेट के रख देती हूँ।
कॉम्बो मंगाया, कॉम्बो के ऑफर बहुत सारे चल रहे हैं, 50% का डिस्काउंट, बहुत अच्छा काम चलता है। मुझे अमेजोन के प्रोडक्ट बहुत पसंद आते, बहुत ज़्यादा। कौन सी ये रखाना सही से बेटा, लो उधर से निकल जाओ, चलो बाद में मिलेंगे।